हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। वेलकम टू आवर 100% टायलर्स क्लब गाइस। हाय रिवीजन बैच। हे स्पर्श, नमस्कार। हाय किशले, गुड इवनिंग टू यू टू बच्चे। हे गरिमा, हेलो। गुड गुड गरिमा, स्टार्ट टॉकिंग। हाँ, नाइस नाइस नाइस। हाय अंश, हेलो। हाय रोहित। हे हर्षा। हाय अनुराग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग प्रगति। गुड इवनिंग आशुतोष। कहाँ आप काए रहे हो आशुतोष? नए हो? हाँ जी। हाय सलोनी। हाय विवेक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ध्रुव, गुड इवनिंग। हाँ गुड दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट एक्चुअली रीड द अदर पीपल्स मैसेजेस आल्सो। कुछ बात हुई, कुछ कन्वे हुआ, कुछ हो गया सब। हाँ भैया, नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। एक्चुअली ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू टू स्टॉप दिस लाफ्टर। यस। हाय प्रियांशी, भालो 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 प्रियांशी, भालो। नहीं, बाकी सब नहीं, नहीं नहीं, ऐसी बातें बताई नहीं जाती। चलिए, एजेंडा क्लियर कर दें एक बार कि एजेंडा क्या है। ऋषिका, प्रिंस, रोहित, प्रियांशी, मंथन, मानसी, तान्या, सुहेल। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग सीक्रेट और समथिंग, बट यू नो इट इज लाइक सो आउट आउट ऑफ यू नो आफ्टर इनफैक्ट अ लॉट ऑफ नहीं, हंसने, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सो लेट 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 यू गाइस नॉट अज्यूम। हाँ, इट इज बेसिकली रेफरेंस, गेम ऑफ रेफरेंस ओनली। सम पीपल पिक्ड अप द रेफरेंस, दैट्स इट। सम पीपल जस्ट पिक्ड अप द रेफरेंस, दैट्स इट। देयर इज नो प्रायर, कोई बात ही नहीं है इस चीज की। आई जस्ट सेड समथिंग, सम पीपल पिक्ड अप द रेफरेंस एंड वी यू नो वी कुड लाफ। हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। देखना अलग बात होती है और जीना अलग बात होती है किशले। एक होता है देखते हैं ना। नहीं, बताने में फिर मजा ही नहीं है, बताने में कोई मजा नहीं है। जस्ट गेम ऑफ रेफरेंस, दैट्स इट। हाँ चलिए, आज का एजेंडा एक बार क्लियर कर देते हैं। एजेंडा ये है, देखो, नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव। वन हु आर रियली कंसिस्टेंट फॉर लास्ट 2 to 3 months एंड दे हैव बीन अटेंडिंग ऑल द सेशंस एंड एवरीथिंग, एंड एट द सेम टाइम वी हैव सर्टेन स्टूडेंट्स हु आर यू नो हु जॉइन द रिविजन बैच बट देन न्यू। सो okay, so they not attended all the sessions and everything. So I picked up two passages now specifically for those people who already you know solved these passages. Okay, so मैं क्या करता हूँ, मैं dodge करता रहता हूँ, मैं कुछ you know इस equation को कैसे बिठाऊँ, because मेरे को for me I personally feel very strongly that to clear certain examination like CAT, you cannot be you cannot afford to solve few questions only once. Okay, you guys need reminders, you need the concepts to be pinned completely, you know, as a intact there. So I'm picking up two passages. I've actually chose those passages which you know certain students must have done. Certain students are new, they can be doing it for the first time, but still to get certain things pinned there, I picked up two short passages today. Now, as the name suggests, short is not always easy and not long is not always vice versa, like difficult. No, so few long passages we've solved and a few short also. आज हम long नहीं उठाएंगे, हम दो short passages करेंगे। एक थोड़ा simpler है और उसके बाद में जो एक होगा दूसरा वो challenging होगा, वो CAT का passage है। ठीक है, तो ये अपना agenda रहेगा। आज बातें बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, दो passage solve करेंगे। And after solving a particular passage, we'll be just talking about few things. That's it. As it is, when it comes to RCs, everything is qualitative. Okay? Does it make sense to you guys? चलें बढ़ाएं ज़िंदगी आगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हिमांशु, I was talking, so I couldn't see. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा क्लास अनअकैडमी में ट्रेंडिंग। अच्छा, ओके ओके, थैंक यू रोहित। मैंने कभी ऐसे यू ट्रेंडिंग और इस पे मैं ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ जनरली, बट हम मैं बहुत सेल्फिश हूँ एक्चुअली। नो बिफोर आई स्टार्ट ऑफ आई जस्ट टेल यू गाइस, मैं बहुत सेल्फिश हूँ। यू नो टेकिंग क्लासेस एंड ऑल मेक्स मी हैप्पी, सो आई डू इट फॉर माई सेल्फ। बाकी साथ में तुम लोग आ गए हो तो देख लो, अपना अपना ढूंढ लो, जिसको जिसका जैसे काम चल जाए।
चलो दिवांशी, आप आगे हो, अपन आगे बढ़ाते हैं कहानी को. दोज हु आर न्यू अटेंडिंग द सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम गौरव शर्मा एंड आई एम एन एलुमनस आईआईएम कलकत्ता. आई एम अ पब्लिश्ड ऑथर, आई हैव बीन राइटिंग फॉर मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स आल्सो. अपार्ट फ्रॉम, आई मीन आफ्टर चिजल, नाउ आफ्टर ऑलमोस्ट 6 years, आई एम वर्किंग 7 years, आई एम वर्किंग ऑन माई सेकेंड बुक विच इज गोना बी पोएटिक फिक्शन. सो लेट्स सी हाउ डज इट यू नो गेट इट्स ओन शेप एंड एवरीथिंग. यस, यहां पर विद अन अकेडमी एंड विद यू गाइस आई टॉक अबाउट बीएआरसी. हाँ, थैंक यू सोहेल, थैंक यू वेरी मच बेटा. चलो, दिस इज अ टेलीग्राम ग्रुप गाइस, दिस इज आर, इसका एक तो मैं नाम चेंज कराऊंगा, मेरे नाम से हटवाऊंगा मैं. मुझे इतना अच्छा लगता है ये ग्रुप, एंड आई सी यू नो द वे स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर, इट इज अमेजिंग. थैंक यू किशले, साडा अड्डा, एग्जैक्टली, लिटिल वी आर सी फैमिली. इट्स ब्यूटिफुल टू कॉल इट अ कम्युनिटी. आई सी अमेजिंग वाइब ऑफ द ग्रुप. सो दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ दिस, अच्छा एक बात और बता दूं, जो लोग नए हैं उनको, आपको आते ही नए ऐसा लगेगा नहीं कि आप नए हैं, बिल्कुल नहीं लगेगा. नहीं, जी एस आर्मी बिल्कुल नहीं चाहिए, आपकी आपकी अपनी वी एस आर बी ए आर सी फैमिली वगैरह जैसा आपको रखना है वैसा रख लो. हाँ चलो, सो दिस इज द मोमेंट, दिस इज द टाइम ऑफ 2-3 मिनट्स वेयर वी फील थैंकफुल टू अन अकेडमी एंड वी यू नो एक्सचेंज दिस थॉट हियर. दीस सेशंस, दीस स्पेशल सेशंस आर फ्री, दीस यूट्यूब सेशंस आर फ्री, एंड ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ अन अकेडमी. सो बिग बिग थैंक्स टू अन अकेडमी दैट वी ऑल आर मीटिंग एवरी डे, टॉकिंग, स्टडिंग, राइट? सो एंड स्टिल यू वुड वॉन्ट योर प्रेपरेशन टू बी मोर स्ट्रक्चर्ड, यू कैन ऑलवेज गो फॉर प्लस आर आई कनेक्ट. इफ आई वुड से डायरेक्टली यार, कि अगर आप 2022 या 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, देन तो गो अहेड एंड पिक अप योर सब्सक्रिप्शन. दिस इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी वेरी इट वुड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ठीक है, चलिए. सो प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर 6 months एंड 12 months एंड 24 months, द फीस एंड एवरीथिंग इज देयर. यू कैन यूज माई कोड दस जी एस एम बी, दैट विल गिव यू 10% एडिशनल बेनिफिट. इफ यू गो फॉर आइकनिक, आइकनिक हैज लिटिल यू नो it's different, you know, the price range is different, the fees range is different, because yes, it has that kind of a value also. Long cat RC's ka plus revision course hoga kya? Bilkul hoga Vivek. Abhi abhi to ek RC finish hua hi, RC course. Ab dekhte hain, second course start karta hun. This is the fee structure, guys, for your subscription, for your plus and iconic. My suggestion is go for longer term. If you go for longer term, obviously it will be more cost effective, and you can use that code GSMBA. This is my name. My students who like me, they call me GS, and MBA obviously that dream which you you know come for. So apna common goal hai. Main chahta hu ki aapka MBA crack ho jaye, aapka exam crack ho jaye, aur aap bhi yahi chahte ho. Interview ka session kab lunga? Arey interview ka pehle tum call laoge, uske baad lunga. Usse pehle nahi lunga. अगर प्लेसमेंट्स वगैरह का कुछ सीजन चल रहा है, कुछ इंटर्नशिप टाइप कुछ चल रहा है, तो मुझे बता देना, आई कैन हेल्प यू देयर. दीज आर यू नो द न्यू बैचेस कीप कमिंग इन, यू कैन पिक अप अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, योर योर कन्वीनियंस, यू नो यू कैन, और योर एडुकेटर, आपको मैम पसंद है, मैम की क्लासेस पसंद है, तो बस मैम की क्लासेस में चले जाओ. सो यू कैन पिक अप अ बैच अकॉर्डिंग टू यू नो हाउ डू यू वांट इट टू बी. ठीक है, लाइव मेंटरिंग क्या होता है, वन ऑन वन मेंटरिंग, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, like personalized learning experience, you can discuss doubts, clarify concepts and enhance exam strategies and a lot of things. Chaliye, so people who are looking for 22-23, this is limited edition offer, you can read what's written there and go ahead, you can take your call. इस बार आई एम कलकत्ता में काफी जूनियर आने वाले हैं गुरुजी, हम काफी दिनों से लीडर बोर्ड देख रहे हैं, अच्छा लगता है बहुत, कहां से कहां गए हम सब. साथ पकड़ के ऐसा हाथ, इसे साथ में चलते रहोगे ना हाथ पकड़ के, तो सब एक दूसरे को लेके आगे बढ़ते जाएंगे. हाँ, मैं किशले ये वाला मैसेज नहीं पढ़ूंगा बाकी सबके लिए, बिकॉज लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. हाँ, सो लेट अस नॉट टॉक अबाउट दैट ओनली. अपन तो अपना देखो, पता नहीं होता होगा, लोगों का फैन होता होगा, बेस होता होगा, जो भी कुछ होता होगा, अपना तो परिवार होता है, क्या बोलती पब्लिक. बढ़ाएं आगे इस कहानी के साथ, इस जज्बात के साथ, इस हीलिंग के साथ, है ना, अपना परिवार है बॉस. अपने यहां बिल्कुल डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, अपने यहां पर ऐसे वाली होती है, अपने यहां हायरार्की ऊपर से नीचे चलती नहीं है, अपने यहां बराबर होता है सब कुछ. चलिए बढ़े आगे. हाँ, तो एक पैसेज सॉल्व करें. हाँ,
those who've done this passage, I intentionally picked it up to convey a few things. It's going to be a simpler one. I would want you guys to get 100% accuracy. Okay? हाँ बिल्कुल इंडियन टीवी सीरियल जैसे बिल्कुल बिल्कुल थोड़े टाइम में तो अपने बैकग्राउंड म्यूजिक में वो बैकग्राउंड वो भी चलेगा वो तुम थी मैं थी कौन था है ना बिल्कुल वैसा वाला परिवार है अपना चलो सो कॉन्सेंट्रेट करोगे हाँ हाँ और 100% एक्यूरेसी एवरीवन हिमांशु आकांक्षा प्रियांशी प्रिंस कम ऑन जो जो लोग 100% एक्यूरेसी के साथ हैं वो ऐसा प्रॉमिस कर रहे हैं वो लोग अपना एकदम ऐसा अंगूठा ऊंचा करके जल्दी से बता दो शाबाश शॉर्ट शॉर्ट वेरी नाइस जस अरे जस बोलते आकांक्षा प्लीज लुक इनटू इट बेटा विकी होगा यहाँ पे ध्यान रखो उसका चलो सो आपको जैसे आप यू नो वंस यू यू डन रीडिंग जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स दैट यू डन रीडिंग ओके 5 4 3 2 1 गो Write down in the chat box once you've done reading. Okay, should I take you forward? I'm giving you 5 seconds. If anyone wants me to stop, tell me in 5 seconds. Otherwise, I'm taking to the next page. 4, 3, 2, 1, go. Finish it off. 2 paragraphs only. Anshul, you've just joined. It's a paragraph. It's a passage of 2 paragraphs. You've just joined. So I think stay here and maybe the next passage. Yeah. Rinal, Sparsh, Dhruv, Manu, Himanshu. Not in the emojis, guys. I don't get to know who has responded in the emoji. I mean, maybe मेरे को नहीं पता लगता है, but on the laptop. So always put your, you know, whatever you want to convey, put that in the comment box. All right. So I'm giving you 5 more seconds. Let me know. You want me to stop, or should I move ahead? Go ahead. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, go. Okay. Now, when I look at this paragraph, the first word, okay, the first word, setup tour, because so typewriters are the epitome of a technology that has been comprehensively rendered obsolete by the digital age. अच्छा देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना अगर इस वर्ड को आपने मिस कर दिया यहाँ पे
इफ यू मिस दिस वर्ड, ओके, इफ यू मिस दिस वर्ड, आपको सारा जो फील है ना, जो नेचर, मैंने आपसे एक दिन पहले सेशन में बात की थी नेचर ऑफ द पैसेज के बारे में, यस और नो? हाँ, डिड आई टॉक अबाउट नेचर ऑफ द पैसेज? राइट, अब इफ जस्ट लीव दिस वर्ड एपिटोम, ठीक है, इस एपिटोम को एक बार छोड़ दो यहां से. टाइपराइटर्स आर द टेक्नोलॉजी दैट हैज बीन कॉम्प्रिहेंसिवली रेंडर्ड ऑब्सोलीट बाय द डिजिटल एज. नाउ यू नीड टू आंसर वन क्वेश्चन टू मी. अगर इस एपिटोम को मैं हटा दूं, देन व्हाट फील डज इट गिव यू द सेंटेंस? इज इट न्यूट्रल, नेगेटिव, पॉजिटिव? न्यूट्रल. स्पर्श सेज न्यूट्रल. मैं फिर भी कहूंगा कि न्यूट्रल. अच्छा, इट इज टूवर्ड्स, देखो, इट इज टूवर्ड्स नेगेटिव ओनली, नॉट बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, तो न्यूट्रल भी हम गलत नहीं बोल सकते. बट अगर हम कुछ वर्ड्स उठाते हैं जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिवली रेंडर्ड ऑब्सोलीट बाय द डिजिटल एज. ऑब्सोलीट मतलब काम की चीज नहीं है. ऑब्सोलीट हम किसको बोलते हैं, है ना? हाँ, एग्जैक्टली, स्पर्श, बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑब्सोलीट. अब अगर तो ध्यान में ये रह गया कि ऑब्सोलीट ध्यान में रहा, तब तो अब सी, जो पैसेज का नेचर होता है ना, उससे हमारा उस नेचर के साथ हम अलाइन हो जाते हैं यूजुअली, है ना? Obsolete मतलब out, not use anymore, not useful anymore, exactly नमन. अगर हमने नेचर नहीं पकड़ा सही से, तो as it is हमारा नेचर जो है, हम how are we taking the passage, उसका अलाइनमेंट गलत हो जाएगा. और जैसे अलाइनमेंट गलत हुआ, पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाएगी अगर एपिटोम वर्ड पे ध्यान नहीं गया यहां तक. सो हम ये पढ़ने वाले हैं आगे कि टाइप राइटर्स जो है वो तो ऑब्सोलीट है. अब देखो, पूरा का पूरा जो जज्बात है बदल गए यहां से. द इंक कम्स ऑफ द रिबन, they weigh a ton, है ना, भारी है, देखो क्या करोगे. एंड सेकेंड थॉट्स आर अ डिजास्टर. दोबारा तो सोच ही नहीं सकते. सर, अब इसने इस अगर एपिटोम वर्ड मिसिंग हुआ होता, तो सेकेंड सेंटेंस ने आपको आपके आपने जो नेचर पकड़ा दैट इट इज नेगेटिव, वो और स्ट्रॉन्गर ही हुआ. यस और नो? राइट, हाँ. अब दोबारा से नेचर वापस से सेट होना. देखो क्या होता है, वी ऑलवेज हैव प्रेजुडिस, हमारे पास प्रेजुडिस बायसेस होते हैं. अगर हमारा बायस ये रहा और हमने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि बट दे आर ऑल्सो पर्सनल, पोर्टेबल एंड अबव ऑल प्राइवेट, अगर इस लाइन को हमने ऐसा एक एडिशनल लाइन, एक सपोर्टिव लाइन करके छोड़ दिया, ध्यान नहीं गया, तो फिर सेकंड मौका हमारा चला जाएगा टू गेट द नेचर करेक्ट. राइट, टू गेट द नेचर करेक्ट. टाइप अ डॉक्यूमेंट एंड लॉक इट अवे एंड मोर और लेस द वन वे यू ओनली वे यू एनीवन एल्स कैन यू रशियंस हैव डिसाइडेड. ठीक है, ठीक ठीक. बाकी का पैराग्राफ जो है इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत सारी वो कैब है नहीं. डिपेंड ये करता है कि आपने नेचर गलत ना पकड़ा हो. ठीक है, कुछ एक वर्ड स्टाउट यूज हो रहा है, ऑब्सोलीट यूज हो रहा है, एपिटोम यूज हो रहा है, यहाँ पे क्लैक हो रहा है. सो इट्स मोर ऑफ यू नो. अब अगर अपन पैसेज की बात करें, अगर अपन ने नेचर सही पकड़ा, अगर अपन ने एपिटोम पकड़ लिया होता है, एपिटोम इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव वर्ड. राइट, you guys agree to it? Epitome is a positive word. Epitome is the zenith, the top. Huh? So, फिर जैसे अपन epitome पकड़ते हो, कहता है कि epitome of something, epitome but obsolete. Huh? If I come back and see this, एक तरफ हमने epitome बोला और दूसरी तरफ obsolete बोल दिया, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर neutral रहेगा feel कि अब कि अगर obsolete है, फिर epitome कैसे है? फिर epitome कैसे है? Now the entire passage. Now, can I say that the entire passage talks about this only, that it is epitome? Still, it is useful. How? Digital age ne obsolete kiya hai, lekin abhi bhi technology mein wo highest hai. Why? Because then the some reasons have already come up, like the best one was privacy. Yes or no? Haan ya na? Yahan tak samajh mein aaya? Privacy. Exactly. Acha, ye noob kisne bheja phir mere ko wapas se? पूछा करो क्वेश्चन. आई डोंट गेट टू नो ओनली हु सेंड्स दीज नूब्स इन एवरीथिंग. अच्छा, नाउ स्टार्ट गिविंग मी वन वन वर्ड अबाउट द पैसेज. कैन आई से इट वाज अबाउट द पैसेज इज अबाउट टाइपराइटर्स? कैन आई से दैट? नंबर वन. नाउ मोर, टेल मी वन वन वर्ड मोर. अच्छा, अबाउट टाइपराइटर्स अगेन इजी, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं. अब देखो, डिजिटल एज एंड टेक्नोलॉजी, ये वर्ड्स नहीं चाहिए अपने को. एग्जैक्टली स्पर्श, नॉस्टैल्जिक अपील की बात हुई है, नॉस्टैल्जिक अपील की बात हुई है. हाँ, पॉजिटिव बात हुई है. यस, बिल्कुल. ऑब्सोलीट होने को क्वेश्चन किया गया है. राइट, राइट. ठीक है. सो एक रिविजन हो गया पूरे पैसेज का, है ना? ठीक है.
देखो, अब तक आपने क्या किया है, अभी तक आपने रीडिंग में एक चीज सीखी है। आपने रीडिंग में पहले सबसे सीखा कि आपने मेन आइडिया पकड़ना शुरू किया, फिर आपने एक नई चीज, एक नया वर्ड दिया मैंने आपको कि नेचर देखना शुरू करो, ठीक है, नेचर ऑफ द पैसेज। नाउ इन दोनों के साथ में एक स्किल आपको और जरूरी है गाइज, मेमोरी जो है ना, वाइल रीडिंग आपको मेमोराइज रहे सर्टेन फैक्ट्स एंड डिटेल्स एंड एवरीथिंग, मेमोरी को स्ट्रांग करो, रिटेंशन, बेसिकली द वर्ड इज रिटेंशन, रिटेंशन बेटर करना होगा आफ्टर मेन। जैसे एक, अब तो आप जब भी रीडिंग करते होंगे आपका ध्यान जाता होगा, यू मस्ट हैव यू नो स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मेन आइडिया फर्स्ट। सेकेंड थिंग, वन, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग, कॉन्सेंट्रेट ऑन नेचर ऑफ द पैसेज। नाउ थर्ड इज स्टार्ट वर्किंग ऑन द मेमोरी पार्ट ऑल्सो, रिटेंशन पार्ट। वेन एवर यू रीड एनी आर्टिकल और समथिंग, क्लोज इट एंड ऐसा ऊपर देख के चार पांच चीजों के बारे में याद करो कि इसमें और क्या क्या फैक्ट्स थे। नाउ अनदर 90 डेज, वट एवर ऑलमोस्ट 90 डेज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कैट एंड एवरीथिंग, द अदर एग्जामिनेशन, कैट के बाद होंगे बाकी सारे, ये दो चीजें तो कर ही रहे हो, मेन आइडिया पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, फिर उसके बाद नेचर पकड़ते हो उसका कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस डायरेक्शन जा रहा है, इवेंट्स की बात कर रहा है, फैक्ट्स बता रहा है या डिस्क्रिप्शन कर रहा है, अपनी ओपिनियन दे रहा है, दिस ऑल कम्स अंडर नेचर ऑफ द पैसेज। थर्ड थिंग यू नीड टू स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन, दैट इज मेमोरी। हाँ, तो ये इसका काम करना होगा किशले, जैसे किशले ने कहा, मैं उसको रिपीट करता हूँ एक बार, मैं पढ़ता हूँ क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी कॉमन सी चीज होगी। व्हेन देयर आर, सो किशले सेज, एंड दैट इज योर वॉइस आल्सो इनसाइड, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैज दिस वॉइस इनसाइड, दैट इज व्हेन देयर आर टू मेनी एक्स्ट्रा डिटेल्स आई टेंड टू लूज सर्टेन पॉइंट्स, राइट। सो जब मैंने आपसे कहा कि मेमोरी बढ़ानी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो जो भी पैसेज में लिखा रहा है सब याद है, बट यू नो जस्ट लुक अप एंड रिमेंबर व्हाट ऑल यू रेड, ठीक है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होता जाएगा ना, तो मेमोरी बढ़ेगी। मेमोरी नहीं बढ़ानी है, रिटेंशन बढ़ाना है, मेन पॉइंट, जितने ज्यादा याद रह जाए, ठीक है। कैट का आरसी क्रैक करवाऊंगा मैं तुमसे, मैं गारंटी देता हूं तुमसे, मैं क्रैक करवाऊंगा, ठीक है। चलो देख लो, स्कैन करने की जरूरत नहीं है, खुद याद रखो क्या क्या समझ में आया था। क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, ओके, गेट मी 100% एक्यूरेसी, एवरीबडी वुड गेट मी All 100% accuracy. First question on your screen. गलत नहीं करोगे, ठीक है? हाँ, गलत नहीं करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स का गलत हुआ है, क्यों? बीच, अच्छा ठीक है, ए और बी क्लोज है, अब ये फाइनल डिटेल्स पे जाना है। आशुतोष, ये क्लोज नहीं है, यहां दो ही डिफरेंस है। अब आप लोग क्वांटिटेटिव पढ़ाई करना बंद कर दो, अब आप चार पैसेज मत सॉल्व करो चार दिन में या एक दिन में चार, ना, अब आराम से एक एक क्वेश्चन, अब आपको ये नहीं देखना कि कितने सही हो कितने नहीं, आपको माइनर डिटेल्स पे जाना पड़ेगा। मंथन, कुड यू जस्ट टेक बैक द स्लाइड टू द पैरा, आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट एंड 1000 अपोलॉजीज आई मिस्ड इट, ठीक है मंथन। मंथन के लिए मैं जरा फॉर 2 सेकंड्स आई एम जस्ट गोइंग बैक, ओके। हाँ मंथन, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक इट एंड से यस, ओके। ये डन, चल ठीक है। हाँ, सो अब क्वालिटेटिव पढ़ाई करना शुरू करो आशुतोष, अब क्वांटिटेटिव नहीं करना है अपने को, है ना, बहुत सारा नहीं पढ़ना है, मतलब क्यूए से मत कर लेना क्वांटिटेटिव, मतलब क्वालिटेटिव करना है, बहुत सारे पैसेजेस सॉल्व करने की बजाय 2 दिन में एक पैसेज करो, लेकिन उतने डिटेल में जाओ। देखो अब यहाँ पर सिर्फ इन 2 वर्ड्स का डिफरेंस है, हाँ नहीं, ठीक है, ओके। हाँ तो ये प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, डिस्क्राइब कर रहा है वो, आर्ग्यू कर रहा है, आर्ग्यू कब करते हैं, आर्ग्यू करता तो क्या करता वो,
अगर वो आर्ग्यू कर रहा होता तो क्या करता, कैसा दिखता पैसेज फिर? अगर आर्ग्यू करता तो क्या होता? नहीं, अरे अंश क्या बात कर रहे हो यार बेटा, पूरी रामायण पढ़ा दी उसके बाद कह रहा सीता कौन था। अंश नेगेटिव थोड़ी होगा अगर आर्ग्यू कर रहा होगा तो। नहीं मृणाल कैसी बातें कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट होकर होता तो बहुत सारी रीजनिंग होती, बहुत सारे रीजंस दिए हुए होते अगर आर्ग्यूमेंट होता तो, लेकिन वो तो डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, गो अहेड। हंड्रेड परसेंट गेट दी, गेट 100%, वेरी गुड। नाउ व्हाई डू यू गाइस गेट इट रॉन्ग, बताया तो था आप ही ने तो मुझे वर्ड बताया था, रिमेंबर? आप लोगों ने तो बताया था कि डॉक्टर के प्राइवेसी के लिए होता, फिर इसमें कहां डाउट था? अकॉर्डिंग टू द पैसेज सम गवर्नमेंट स्टिल यूज टाइपराइटर्स बिकॉज, अब इतने बिल्कुल बिल्कुल ही बच्चों वाले ऑप्शन तो आएंगे नहीं, दे लाइक द नॉस्टैल्जिक अपील, बात पैसेज में थोड़ा थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी बात हुई है। दे वॉन्ट टू इंश्योर द टाइपराइटर प्रोडक्शन लाइन रिमेन, नहीं ये तो क्या है नहीं, दे डू नॉट वॉन्ट टू अबैंडन ओल्ड टेक्नोलॉजीज, कहां से लाए अपन ये, दे कैन कंट्रोल हु रीड्स द डॉक्यूमेंट, यस और नो गाइस? क्या डाउट है इसमें? अभी तो हमने पैसेज पढ़ा, फिर उस पैसेज पर डिस्कशन किया। बढ़ूं आगे, एक और क्वेश्चन दूं? ओके, अगर किसी को डाउट नहीं है मूविंग अहेड। ओके विक्की प्लीज, चलो भाई आकांक्षा लुक इनटू इट। आकांक्षा व्हाई डोंट यू वंस एंड फॉर ऑल हेल्प हिम, है ना विक्की? चलो करो, गेट मी 100% नाउ। परसेंट एंड स्टिल द रीजन इज सेम। आई नो द रीजन इज सेम। ओके, गरिमा, करण, हिमांशु, स्पर्श, किशले, आकांक्षा, सिद्धांत, अंश, मनु, सोहेल आर गेटिंग 10/10। गलत बात है। अच्छा ठीक है, ओके एक सेकेंड, बोलो इसमें कोई इशू? अभी जल्दी से सच सच बता देना, किसने इस एक्सेप्ट की वजह से गलत किया, किस किसने एक्सेप्ट की वजह से गलत किया, बताओ सच्ची सच्ची बताओ जल्दी से। हिमांशु, मृणाल, क्यों बेटा? चलो कोई बात नहीं, दो चार बार गलतियां होंगी, डांट पड़ेगी। हाँ ऊपर के तीन भी तो नहीं है मेंशन, अरे कहाँ मेंशन नहीं है? अनलाइक कंप्यूटर्स दे कैन ओनली बी यूज्ड फॉर टाइपिंग,
बोला तो है उसने कि और कोई चीज नहीं हो सकती, यू कैन नॉट रिवाइज व्हाट यू टाइप्ड ऑन अ टाइपराइटर, सेकंड थॉट्स आर अ डिजास्टर, भूल गए, टाइपराइटर्स आर नॉइजियर देन कंप्यूटर्स, क्लैक की आवाज आती, क्लैक क्लैक क्लैक, लास्ट में था ना वर्ड। ओके ठीक है, चलो नाउ नायक मूवी में था। हाँ मनु, देखो कैसी बातें याद आ रही है। अच्छा मेरी बात सुनो, कॉन्सेप्ट रिवीजन के नाम पे मैं बस एक दो चीजें की बात करूंगा आप लोगों से, आप ही रिवाइज करोगे, मैंने सोच लिया मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, रिवीजन बैच है ना, रिवाइज आप करोगे, मुझे याद दिलाओगे क्या क्या था। उसके बाद बी रेडी फॉर अ चैलेंजिंग पैसेज, ये इजी था, दिस वॉज इजी, इजी टू मॉडरेट की अगर बात करोगे तो ये यहाँ पे था, इजी टूवर्ड्स इजी। ओके अब जो होगा वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में होगा, यहाँ पे ऐसे वाला पहले बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब अपन टेल मी नाउ, ईच वन ऑफ यू टेल मी वन थिंग विच हेल्प्स यू इन स्कोरिंग, यू टेल मी, आई राइट इट डाउन हियर। प्रियांशी ने कहा मेन आइडिया, सो हैव यू स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मेन आइडिया नाउ? ओके ओके विवेक ने कहा नेचर ऑफ द पैसेज, लेट्स राइट डाउन एवरीथिंग व्हाट एवर वी अंडरस्टूड इन द इन आवर सीज एंड एवरीथिंग, नेचर ऑफ द पैसेज, ठीक है। कंसिस्टेंट रीडिंग, कंसिस्टेंट रीडिंग थोड़ा सा एक बार स्पर्श और क्लियर करना डार्लिंग, बताओ एक बार कैसे क्या। एलिमिनेशन मेथड, बिल्कुल सही बात है, रिजेक्शन पॉलिसी, मैं देखता हूं 2 सेकंड में आप लोगों के आंसर्स आ जाते हैं, गलत बात है ये, कहना क्या चाहते हो, राइट द सेम मेन आइडिया। रिटेंशन, रिटेंशन 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 से मतलब डिटेल्स, अभी तक यूज करना शुरू कहां किया है। रोहित क्वेश्चन मार्क किस बात का बच्चे, हाउ मच आई कुड रिकॉल, यस एग्जैक्टली व्हाट ऑथर वांट्स टू कन्वे, दैट्स मेन आइडिया, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। स्पर्श एक बार थोड़ा इलैबोरेट करने को बोला था मैंने, एक बार इलैबोरेट करो, कंसिस्टेंट रीडिंग, व्हाट्स दैट समथिंग व्हिच इज हेल्पिंग यू, ओके गॉट इट, सो कंसिस्टेंट रीडिंग राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप एक्चुअली इफ यू एक्चुअली बिलोंग टू रिविजन बैच, अगर आप रिविजन वाले लेवल पे हो, सो आप समझो भले ही आप 2 दिन में एक पैसेज सॉल्व करो अच्छे से, बेस्ट ऑफ इन द बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट, बेस्ट ऑफ योर मूड, रीडिंग ज्यादा करो, ठीक है, रीडिंग ज्यादा करो, आरसी तो इफेक्ट है, 2-1 दिन में भी एक कर लोगे बहुत है, लेकिन अच्छा सा कैट का बढ़िया सा ऐसा हैवी सा पैसेज उठाओ। रेस्ट्रिक्ट ओनली टू द पैसेज, वेरी गाय, वेरी राइट संस्कार, वेरी राइट, रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू द पैसेज ओनली, रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू द पैसेज ओनली, वंडरफुल। अवॉइडिंग बायस्ड थॉट्स, बायस्ड थॉट्स बिल्कुल बिल्कुल, और बायस्ड थॉट्स पता है बहुत मुश्किल होते हैं हटाना, बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि माइंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगता है। मैंने एक एक बात कहता हूँ ना हमेशा, माइंड इज नॉट अ प्रॉब्लम, माइंड सेट इज, माइंड सेट, आप रीडिंग करते टाइम अपने आप को एक एक शेप दे रहे होते हो अपने थॉट्स को, मंथन, हाँ बिल्कुल, इन्फ्रेंशियल बायस होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ट्राइंग टू अवॉइड रिग्रेशन विद फिंगर्स, फिंगर्स की बजाय तान्या उसमें अपन यूज करेंगे आरटीपीसी, सब लोग भूल गए इतने दिन से मैंने आरटीपीसी की बात नहीं की, सबने आरटीपीसी याद नहीं दिलाया। आरटीपीसी, व्हेन यू रीड थिंक व्हाट यू रीडिंग, कीप प्रोसेसिंग योर थॉट सो दैट योर कॉम्प्रिहेंशन वुड गो ऑन टू अ डिफरेंट लेवल, ठीक है। So, उससे क्या होगा, जो भी पिक्चर बनेगी बस वो पिक्चर गलत ना बने, जैसे अभी एपिटोम वर्ड अगर मिस हो जाता तो जो पिक्चर बन रही होती, जो विजुलाइजेशन चल रहा होता वो गलत हो जाता। सो द बेस्ट वे टू अवॉइड रिग्रेशन, रिग्रेशन सब लोग समझते हैं ना, पढ़ते 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 वापस ऐसे लगता है कहीं खो गए, फिर जाके वापस पढ़ते हैं, सो वो रिग्रेशन होता है ना। हाँ एग्जैक्टली मीनाक्षी, फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, उसे आराम से पढ़ते हैं। अरे यार सब कुछ याद है तुम लोग को, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। माइंड मैपिंग, की पॉइंट्स ऑफ ईच पैरा, एग्जैक्टली, ओन समरी ऑफ ईच पैराग्राफ, वेरी गुड वेरी वेरी गुड, शाबाश, ऐसा बहुत खुश कर दिया तुमने मेरे को, सच बता रहा हूँ मैं, चाय का टाइम है, मेरे को कोई चाय बना के देने वाला है नहीं घर पे, लेकिन मेरे को ऐसा हैप्पी कर दिया तुमने अभी, बस एड्रेनलिन आया, बहुत बढ़िया। चलो ओके, सो विद ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव फील, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, पार्टी देंगे, चल पार्टी तो मैं दे दूं, दूं कहां से पार्टी, वर्चुअल पार्टी करोगे। चले बढ़े आगे, दूं कन्वर्जन के बाद पक्का ऑर्डर। आप ऑर्डर कर दो,
ये भी ठीक है। देखो एक बात बताओ, तुम लोगों को नहीं लगता कि मैं ऐसा 50-60-70 लोगों को ऑर्डर पे कुछ कुछ भेजूं, इसके बजाय तुम मिलके मगर सिर्फ मुझे भेजो। समझना, मैं तो एक हूं, तो थोड़ा ज्यादा मतलब न्याय किस तरफ है? नहीं, सोचो। चलो, अगर जनता रेडी है तो फिर अपन क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। उससे पहले जस्ट द टाइम फॉर रिमाइंडर्स, 29 अगस्त इज मेगा कॉम्बैट, और अभी ये वाला जो अपना संडे है उस पे अकेडमी कॉम्बैट तो है ही। सो ये 250 लकी पार्टिसिपेंट्स में यार तुम लोगों में से कोई हो ना, फिर अपने टेलीग्राम पे फोटोग्राफ भेजना, है ना? प्लस वाले आई डोंट थिंक सो प्रगति, एक बार ट्राई कर लो। आई आई कांट से ऑनेस्टली। यस हिमांशु, चलो अच्छा, बग्स बाउंटी का ध्यान रख रहे हैं ना आप लोग, दिस इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? इनअप्रोप्रिएट अपने को कभी भी बेयर नहीं करना है, टॉलरेट नहीं करना है। हाँ, तो बग्स बाउंटी का ध्यान रखेंगे। कभी भी अगर आपको लगता है एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट इन एनी ऑफ द वीडियो एट अन अकेडमी, डू रिपोर्ट दैट गाइस, यू नो यू विल ऑलवेज फाइंड दैट फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन लिंक। चलो सो बाकी आपने सब सारा याद दिला दिया था, इसलिए कोई इशू ही नहीं है। ये इन दो पार्ट्स में अपना पैसेज यूजुअली डिवाइड होता है, मेन आइडिया में और सपोर्टिंग फैक्ट्स में। अब इन सपोर्टिंग फैक्ट्स का रिटेंशन बढ़ाना है, सो दैट अगर पीछे जाएं भी तो ढूंढना ना पड़े, और कई बार तो पीछे जाने की जरूरत सिर्फ इसलिए हो कि हम एविडेंस उठा सके कि हम गलत तो नहीं कर रहे। एक और यार, एंड्रॉयड ऐप पे ही है ये वाला 29 वाला, अदरवाइज तो सब लोग दे ही रहे हैं। संडे, इस वाले संडे को तो दोगे, ठीक है? हाँ, कॉन्फर्मेशन के लिए। एग्जैक्टली प्रियांशी, कॉन्फर्मेशन के लिए पीछे जाते हैं। चलो करें, पैसेज सॉल्व करें। कैट इज नॉट अबाउट स्पीड, राइट? कैट इज फंडामेंटल, स्पीड की ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके चलो, 5, 4, 3, 2, 1 गो। Once you've done reading, let me know, okay? Okay. So I'm taking you guys forward. If anyone wants me to stop, let me know, guys. Okay, Naman. Okay. Okay, we are moving ahead. 3 seconds I'm giving you. Let me know, otherwise, I'm moving ahead. 3, 2, 1, go.
Swarayan Kishle is done reading. Okay. Pragati, Priyanshi, Rohit, Anurag. Mrinal baad mein. Okay, so as you guys are done reading, you want me to give you the questions first and then we'll discuss? Theek chalo, questions. Theek hai, baad mein padhenge fir saath mein. Chalo, questions karo. Question number one. Very good. Nice. Bahut badhiya. Let me just see the leaderboard. Oh, wow. Beautiful. More than 10 students are getting 4-on-4. Amazing. Next question. मैंने हटा दिया, right? E तो मैंने अपने आप ही हटा दिया था, कोई बात नहीं. हाँ, पोल में जा रही थे. हाँ, next question. Pragati, Prince, Karan, Rigang, Kishle. Very, very less people are getting this correct. Kya hua? Okay. Options. Teen aur char mein confused. Haan, cheek hai, not an issue. Not an issue. Not an issue.
नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, our leaderboard now drops a little. Okay. Six people are still getting. Harbari. E padhai nahi to padhna tha na Rohit. Yehi to padhna hai. Lines 1921 wo passage mein hai. Ab apne mrigank isme problem ye hai that we can't go back. Otherwise the poll gets, you know. Isliye hum log last class mein bhi discuss kar rahe the that you guys can take screenshots. Hello. One more question, guys. लास्ट क्वेश्चन, गलत मत करना, गिव मी 100% एक्यूरेसी। आराम से एक एक वर्ड पे डिस्कस करो, एक्सप्लेन, डिस्कस, रेकमेंड, रिजॉल्व, सजेस्ट, क्या किया है उसने, सोचो 100%। Nice. So let's see the leaderboard now. The leaderboard says Garima 8-8, Shabash, Karan 8-8, Kishle, Chagya ladke kal to pareshan ho raha tha, hain? Prince, Anurag, Pragati. Wow. Six people are getting 8-8. Then Harsha, Anki are getting 7-8. Akanksha and Siddhant. Akanksha is getting 6. Siddhant's getting 5. Good. देर से करो, दुरुस्त करो। बिल्कुल प्रियांशी, मैं कब से समझा रहा हूं तुम लोग को, जल्दी है क्या? तुम एक बार बताओ, सेकंड्स कुछ बचा के तुम्हारे अकाउंट्स बढ़ रहे हैं, कुछ हो रहा है?
बचा के करना क्या टाइम। चलो अब मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे लगता है कि लड़ाई होना जरूरी है, ये वाला कौन सा था? आई थिंक दिस क्वेश्चन, इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑथर ऑफ द पैसेज डिस्कसेस अनमॉनिटर्ड वर्कर्स प्राइमरीली इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज द इफेक्ट दैट सीपीएमएससीएस मे हैव ऑन वर्कर्स परसेप्शन ऑफ देयर जॉब, और इट इलस्ट्रेट्स द इफेक्ट दैट सीपीएमसीएस मे हैव ऑन वर्कर्स रेटिंग्स। इसमें क्या कहते हो? वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, देखो एक सेकंड, आपको ये पैसेज समझ में, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ये बड़ा लिंक्डइन टाइप आर्टिकल है, ये है ना, इट्स वेरी लिंक्डइन लिंक्डइन टाइप आर्टिकल। भले ही आपको पैसेज समझ में आया नहीं आया, क्रैक हुआ कैसा हुआ, अपन एक बार इस पैसेज को डिस्कस करते हैं, है ना। इलस्ट्रेट वुड बी अ बेटर वर्ड, आई ऑल्सो फील इट्स चिराग, यू राइट, मेरे को भी इलस्ट्रेट ज्यादा लगा। एम्फेसाइज द इफेक्ट दैट सीपीएमसीएस मे हैव ऑन वर्कर्स परसेप्शन ऑफ देयर जॉब, आई स्टिल फाइंड इट लिटिल, क्योंकि द सोर्स, माई सोर्स इज नॉट, ऐसा हल्के सोर्स से नहीं है मेरा पैसेज, तो कैट का क्वेश्चन है, आंसर भी फोर्थ है, बट मेरे को अभी भी लगता है कि इसका फिफ्थ होना चाहिए, इट इलस्ट्रेट्स द इफेक्ट। चलो एक काम करते हैं, एक बार इस पैसेज को ना डिस्कस करते हैं, पैसेज है बहुत अमेजिंग है। इसमें क्या क्या चीजें थी, नॉट जस्ट फॉर आरसी पर से, बट लेट्स डिस्कस दिस। हाँ, द इंफॉर्मेशन इज सो अमेजिंग एंड पीपल हु आर वर्किंग, ओके, आप में से कौन कौन वर्किंग है? आई नो स्पर्श इज वर्किंग, आई नो आशुतोष इज वर्किंग, हु ऑल आर वर्किंग हियर? स्वप्निल इज वर्किंग, यस आई नो आई नो आई नो, शुरू में टफ लगा था। हाँ, ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट इसका ऐसा है कि इफ यू आर वर्किंग और यू आर बिजनेस मैनेजमेंट स्टूडेंट तो जल्दी समझ में आएगा, कुछ कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं। प्रीति इज वर्किंग, वेरी गुड। मंथन, हाँ मंथन का मुझे आइडिया है। विकी, ओके ओके। करण इज ऑल्सो वर्किंग, शाबाश, बहुत बढ़िया। नमन इज ऑल्सो वर्किंग, क्या बात है, नॉट मी, अच्छा कोविड हुआ फिर छोड़ना पड़ा, ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। चलो एक बार ये पैसेज पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ In an attempt to improve the overall performance of clerical workers, many companies have introduced computerized performance monitoring and control system. Attempt है ये, ठीक है? क्या है? तो ये ध्यान रखना। In an attempt to improve, in an attempt, इनका इनका तो टारगेट ये था कि इंप्रूव होगा, इनका अटेम्प्ट क्या था कि इंप्रूव होगा क्या परफॉर्मेंस ऑफ क्लरिकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसका इंप्रूव कर रहे थे वो, क्लरिकल वर्कर्स का, ठीक है, क्लैरिकल वर्कर्स का, यानी कि एक्सेल शीट में डेटा डाल दो बेटा, ये क्लैरिकल वर्क है, ओके। सो इन एन अटेम्प्ट टू इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ क्लैरिकल वर्कर्स मेनी कंपनीज हैव इंट्रोड्यूस्ड सीपीएमसीएस, ये हो गया, ठीक है। दैट डज व्हाट, दैट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट अ वर्कर्स कंप्यूटर ड्रिवन एक्टिविटी, हाउएवर एटलीस्ट वन स्टडी हैज शोन दैट सच मॉनिटरिंग मे नॉट बी हैविंग द डिजायर्ड इफेक्ट। अब अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई है ना आरसीज को पढ़ के, आपको समझ में आ जाएगा कि यहां तक इसने पैसेज को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब बाकी सारा जो इलेबोरेशन होगा वो इस पे आएगा कि सच मॉनिटरिंग मे नॉट बी हैविंग द डिजायर्ड इफेक्ट, क्यों नहीं होगी वो, ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? दैट्स हाउ यू फिगर आउट दी main idea, that my knob, basically that's how you figure out the my knob. Done, yes or no? In the study, ab dekho iska elaboration start ho gaya. In the study, researchers asked monitored clerical workers and their supervisors how assessment of productivity affected supervisors ratings of workers performance. Jo bhi unke supervisor unko rating dete honge uspe kitna farak pada, kya hua? In contrast to unmonitored workers doing the same work who without exception identified the most important element in their jobs as customer service. Customer service किसने पकड़ा है? जिनको monitor नहीं कर रहे हैं. The monitored workers and their supervisors all responded that productivity was the critical factor in assigning ratings. जिनको आप नहीं monitor कर रहे हो वो कह रहे हैं कि main job क्या है आपकी? Customer service. लेकिन जिनको आप मॉनिटर कर रहे हो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्रिटिकल फैक्टर क्या बताया? प्रोडक्टिविटी। यस और नो, ये बात समझ में आई? सो दो चीजें अलग अलग हो गई, एक हो गई प्रोडक्टिविटी और एक हो गया कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कि देखो प्रोडक्टिविटी जो भी आपका कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, लेकिन इन्होंने किस पे रिस्पॉन्ड किया? इन्होंने कहा प्रोडक्टिविटी पे, ठीक है। अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं आई कि क्या सक्सेस हुआ क्या नहीं हुआ,
ठीक है, दिस फाइंडिंग, यहां तक जो अपने को समझ में आया, जो भी फाइंडिंग आई यहां तक, दिस फाइंडिंग सजेस्टेड क्या, दैट देयर शुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन अ मॉनिटर्ड वर्कर्स प्रोडक्टिविटी एंड द ओवरऑल रेटिंग द वर्कर रिसीव्ड. ठीक है, आपका जो मॉनिटर्ड वर्कर है वो कह रहा है कि भी आप मेरा क्या पर क्या क्या मॉनिटर कर रहे हो, मेरी प्रोडक्टिविटी, तो उसने सारा का सारा ध्यान किस पे दिया, उसने कहा भी मैं प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दे रहा हूं. जो जो अनमॉनिटर्ड थे, जिनको आप मॉनिटर नहीं कर रहे थे, उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया किस पे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे. भाई जिसको आपने बता दिया कि बॉस तू मॉनिटर हो रहा है और मॉनिटर क्या हो रही है, तेरी प्रोडक्टिविटी, तो उसने कॉन्सेंट्रेट किया प्रोडक्टिविटी पे, यस और नो. तो फाइंडिंग क्या हुई, फाइंडिंग ये हुई कि प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल रेटिंग, इन दोनों के बीच में कोरिलेशन जरूरी है. आप सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर कोरिलेशन नहीं दे सकते, प्रोडक्टिविटी सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को जज नहीं कर सकते, उसकी ओवरऑल रेटिंग. नाउ सी फॉर एग्जांपल, आप समझना इस बात को एक बार ना, यहां से एक आपको इनसाइट देता हूं. मैं आपको, मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं मैं आपको अच्छा पढ़ा लेता हूं, ठीक है, मैं आपको आरसी पढ़ाता हूं और आपको समझ में आता है. फॉर एग्जांपल, ओके, आरसी की क्लास होती है, सर से डिस्कशन होता है, बड़ा मजा आता है, डन. लेकिन आरसी की क्लास है 5 o'clock है, कभी 5:15 स्टार्ट होती है, कभी 5:30 स्टार्ट होती है, कभी 5:45 स्टार्ट होती है. सो अगर एज अ रिसोर्स, इफ आई से दैट आई, लेट्स से आई एम अ रिसोर्स, आई टीच माय स्टूडेंट्स आरसी, पढ़ाता मैं बहुत अच्छा हूं, पर ओवरऑल जो रेटिंग है वो डाउन हो गई ना, बिकॉज क्या है कि प्रगति को लगा कि यार सर, यार 5 बजे का बोल के 6 बजे आएंगे, मैं 6 बजे पहुंचूंगी, उस दिन मैंने 5:15 शुरू कर दिया. सो प्रॉब्लम इज माय ओवरऑल रेटिंग हैज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ, लेट्स से सेंस ऑफ कमिटमेंट, लेट्स से टाइम, टाइम का इशू है, टाइम पे नहीं आता मैं. प्रोडक्टिविटी बढ़िया है, क्या बोलते हो, ये बात समझ में आती है? आर यू गाइस गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? So, एक तरफ हो गई प्रोडक्टिविटी की, दिस फाइंडिंग सजेस्टेड देयर शुड हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन अ मॉनिटर वर्कर प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल रेटिंग द वर्कर रिसीव्ड. प्रोडक्टिविटी बढ़िया थी पर बाकी सारी चीजें, हाउएवर मेजर्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल रेटिंग एंड इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस क्लियरली सपोर्टेड द कंक्लूजन दैट, क्या कंक्लूजन निकला, सुपरवाइजर्स गेव कंसिडरेबल वेट टू क्राइटेरिया सच एज अटेंडेंस, एक्यूरेसी एंड इंडिकेशंस ऑफ द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. एक बात वही देखो, ऐसे एक बार समझने की कोशिश करो. आप मान लेते हैं आपको कस्टमर, परिवार पे अपने सूट नहीं कर रही बात, फिर भी एग्जांपल ले समझो. आपको कस्टमर, मैं आपको एक माल बेच रहा हूं, ठीक है, मैं हूं वेंडर, ठीक है, आपने मुझे कहा कि सर आप हमको एक सॉफ्टवेयर बना के दो. मैंने कहा ठीक है, मैं हूं सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैं बना के दूंगा अच्छा सा सॉफ्टवेयर, ठीक है. अब मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर बना के दिया और बहुत अमेजिंग सॉफ्टवेयर है वो, पर प्रॉब्लम क्या हुई, आपको चाहिए था वो 20th को, मैंने आपको दिया 30th को. तो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका काम ही नहीं होगा, मैं 10 दिन बाद दिया था. आर यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ? यस, अटेंडेंस, एक्यूरेसी, इंडिकेशन ऑफ, ये सारे कस्ट. अब आप सेटिस्फाई नहीं होगे ना, अरे यार ठीक है यार, बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर बनाते हो आप, बहुत अच्छी बात है, आप जैसा कोई नहीं बनाता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा काम ही नहीं होता, आप बोलते 2 दिन बाद को देते हो, 10-15 दिन बाद हो, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन डाउन चला गया ना. आई बात है समझ में? सुपरवाइजर्स गेव कंसिडरेबल वेट टू क्राइटेरिया सच एज अटेंडेंस, एक्यूरेसी एंड इंडिकेशंस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अब आपको समझ में आ रहा है कि कोरिलेशन की बात क्या कर रहा है ऑथर, कि दोनों में कोरिलेशन चाहिए, प्रोडक्टिविटी में भी और बाकी फैक्टर्स में, राइट? तभी ओवरऑल रेटिंग सेट होगी, ठीक है. अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लास्ट पैरा समझ में नहीं आया, जो कि समझना जरूरी है. यहां पर अपने को हाइजीन फैक्टर क्या होते हैं पता होना चाहिए, ये सब आपको आ जाएगा जब MBA कर लोगे ना, तब आ जाएगा. इट इज पॉसिबल दैट प्रोडक्टिविटी मे बी अ हाइजीन फैक्टर. अब हाइजीन फैक्टर क्या होता है, हाइजीन फैक्टर क्या होता है, मोबाइल फोन है आपके पास, ठीक है, यू हैव अ मोबाइल फोन. नाउ इसमें इसकी जो स्पीकर क्लैरिटी है, व्हेन यू टॉक टू पीपल, नहीं, व्हेन यू टॉक टू समबडी, यू नो, सो व्हाटएवर द स्पीकर क्लैरिटी यू हैव, कभी ध्यान थोड़ी जाता है, तो हमेशा फोन रखते वैसे बात करते हो कि बात करने के बाद, अरे वाह क्या हो यार, मतलब इसका स्पीकर कितना, कितनी अच्छी आवाज आती है, नहीं करते ना, नहीं करते ना. व्हेन यू टॉक टू समबडी ऑन फोन, हेलो, तो ये बात थोड़ी करते हो रखने के बाद, क्या यार इसका स्पीकर कितना अच्छा है, नहीं करते. लेकिन अगर जिस दिन स्पीकर साफ नहीं कर रहा, आवाज आ रही होगी, क्लियर आवाज नहीं आ रही होगी, उस दिन परेशान करेगा, उस दिन फ्रस्ट्रेट हो गए, राइट? So, एक फोन जो कि बना है बेसिकली बात करने के लिए, उससे उसकी स्पीकर की क्लैरिटी, नहीं, लाइक सॉल्ट नहीं, सौरभ, नहीं, लाइक सॉल्ट नहीं होगा. हाइजीन
हाइजीन फैक्टर लाइक सॉल्ट हो सकता है क्या? चल एक सेकंड मैं अपने सोचता हूँ, मैं गलत नहीं बोलूंगा एकदम से. सो हाइजीन फैक्टर्स वो होते हैं कि जो जो हैं तो ठीक है, वो तो होना ही है, लेकिन अगर वो नहीं है तो बड़ा प्रॉब्लम होता है. सो प्रोडक्टिविटी एक तरह का हाइजीन फैक्टर हो गया. देखो आप आए हो पढ़ने, ठीक है, आपने कहा कि सर अच्छा पढ़ाते हो, वो ठीक है, मतलब वो तो एक लेवल के बाद तो वो गुड इनफ हो गया ना, एक लेवल के बाद तो वो गुड इनफ हो गया. आ रहे समझ में? इज इट एन इंटरेस्टिंग, इट इज पॉसिबल दैट प्रोडक्टिविटी मे बी अ हाइजीन फैक्टर, दैट इज इफ इट इज टू लो इट विल हर्ट दी ओवरऑल रेटिंग. आप एक चेयर पे बैठ के क्लास अटेंड कर रहे होंगे, राइट? एक चेयर पे, टेबल पे बैठ के क्लास अटेंड कर रहे होंगे, है ना? सो बहुत अच्छी चेयर है, आप पहले दिन लाए अपने लिए, पहले दिन टेबल लाए आपने, खुद अपने पॉकेट मनी से निकाला या पेरेंट्स को बोला, और बहुत ही कंफर्टेबल आप ले आए. सो डे वन यू आर हैप्पी विद इट, राइट? एंड यू मस्ट हैव स्पोकन ऑल्सो अबाउट दिस टू और थ्री टाइम्स विद यू नो विद योर पेरेंट्स और समथिंग, यार आज पापा मतलब बहुत मजा आया, चेयर इतनी कंफर्टेबल है कि आई कुड यू नो, तब तक बैठे रहा हमें पता ही नहीं लगा. एक दो दिन, चार दिन तक आपने बात की, ठीक है, उसके बाद वो गुड इनफ हो गया ना, वो तो है ही, उतना तो रहेगा ही. लेकिन जिस दिन वो खराब होगा, यानी कि जिस दिन वो हिल रही होगी, जिस दिन वो हिल रही होगी, उस दिन मुश्किल होगी, उस दिन ऐसा लगेगा कि ये क्या है. गुड इनफ होने के बाद फिर अपने को ओवरऑल बाकी और चीजों पे ध्यान जाता है, यानी कि हाइजीन फैक्टर्स वो होते हैं जो एक बार गुड इनफ हो गए, उसके बाद उनका नहीं होना आपको परेशान हो करेगा, लेकिन होने से मोटिवेशन नहीं आएगा. यानी कि हायर प्रोडक्टिविटी एक लेवल के बाद उसके नहीं होने से प्रॉब्लम होगी, उसके होने से आप रोज रोज थोड़ी तालियां बजाओगे किसी के लिए. यस और नो? गॉट इट? सो आप पहली बार मुझसे मिले, आपको ठीक लगा कि सर ठीक पढ़ा रहे हैं, आपने कहा सर अच्छा पढ़ा रहे हो, आपको लगा नहीं अच्छा पढ़ा रहे, आप चले गए क्लास से, आपको समझ में नहीं आया समहाउ. सो एक लेवल के बाद आपको, अब बार बार थोड़ी बोलो रोज, आज की सर आज भी क्लास में बहुत मजा आया, सर आज भी क्लास में बहुत मजा आया, सर आज भी क्लास, ये तो नहीं होगा ना. वंस द प्रोडक्टिविटी इज गुड इनफ, इट इज गुड इनफ, देन द प्रॉब्लम इज लाइक टाइम पे क्लास नहीं होती, बोल के क्लास नहीं होती, सेंस ऑफ कमिटमेंट. तभी तो इंटरव्यूज में भी आप देखो, आपसे सेंस ऑफ कमिटमेंट पे बहुत स्ट्रॉन्ग सवाल होते हैं, तभी तो गोल क्लैरिटी वगैरह पे क्वेश्चंस होते हैं. ये तो टाइम पास है, बच्चों वाली कहानी है, स्ट्रेंथ बता दो, वीकनेस बता दो, गाना गाते सुना दो, ऐसा बेसिकली सारा का सारा कहानी यही है. हाइजीन फैक्टर वाला क्वेश्चन दिखाइए ना, दिखाइए ना, ऐसे लेंगे. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला था कौन सा क्वेश्चन, ये वाला ना, एकॉम आप लेट आए के बेटा, माइनो, अच्छा, माइनो फुल फॉर्म कुछ नहीं बेटा, तो हमारा घर का बनाया हुआ. एकॉम ने पूछा कि सर माइनो का फुल फॉर्म, ये तो हमने घर में बनाया बेटा. माइनो इज मेन आइडिया एंड नेचर ऑफ द पैसेज, इन दो पे कॉन्सेंट्रेट करना. इसका तो स्क्रीनशॉट मत लो ना बेटा, इसका तो फुल वो कर लो ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो, डाउनलोड. हाँ ठीक है, हाँ पीडीएफ डाउनलोड कर लेना बाद में आराम से. मजा आया, छोटा पैसेज था बट अच्छा पैसेज था. ये आप ऐसे पैसेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो कैट से, टाइम कम है, ठीक है, टाइम भी कम है. हाँ और ये क्या है, ये बहुत प्रिसिशन वाले हैं, इस बार टाइम कम है ना अपने पास, तो ड्यूरेशन बिकॉज ऑफ द एग्जामिनेशन डजंट हैव दैट काइंड ऑफ अ ड्यूरेशन, तो हाँ इट्स अ कैट पैसेज. यस प्रगति, अच्छा सुनो 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 सुनो, एक क्वेश्चन करें 100% एक्यूरेसी के लिए. एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट करते हैं बिफोर वी साइन ऑफ, ऐसा 100% एक्यूरेसी के साथ बोलो. एक छोटा सा ज्ञान देता हूं बेटा क्वेश्चन से पहले, छोटा सा ज्ञान देता हूं. कॉन्फिडेंस अगर रहोगा ना तो एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा, लाइफ में भी सब कुछ आसानी से सब चलता जाएगा. लोअर कॉन्फिडेंस इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता जितना प्रॉब्लम ओवर कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, एग्जाम में भी और लाइफ में भी. आई यू नो इन माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन सम नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स, इनका क्या होता है, एक लेवल के बाद ना एक्सेप्टेंस लेवल खत्म हो जाता है, लर्निंग खत्म हो जाता है, लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता. बेसिकली क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होते ही हमारा लर्निंग जो LQ है ना, लर्निंग क्वोशेंट, ये कम हो जाता है. मैं कई बार देखता हूं, मैं आई डोंट रिस्पॉन्ड इन द चैट ऑल्सो समटाइम्स, बट आई सी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यू नो आई कैन इजिली फिगर आउट. जैसे वो क्या होता है, वो पिताजी टाइप डायलॉग होता है, हाँ हाँ बेटा आजा, बाल धूप में सफेद नहीं किया, मतलब ऐसा वाला.
इसका ध्यान रखना, कॉन्फिडेंस रखना अपना हमेशा, लर्निंग क्वोशन्ट बनाए रखना अपना, ठीक है? चलो, आई नो एवरीथिंग एटीट्यूड, आई नो किशले, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। हाय अनुपम, हेलो बच्चे, आप फिर आज लेट आए हो। चलो, क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइज, गिव मी 100% एक्यूरेसी। I liked it. This time I saw you guys taking time in answering. Very good. Very good. Shabash. Dhruv, Rohan, Sangmitra. Kitna acha naam hai, Sangmitra. Are wah. Sangmitra, Ashutosh, Samriddhi, Pushpendra, Saloni, Devanshi, Divanshi, Anurag, Karan, Swara. 60%, more than 60% people are getting the right answer. तो फाइनल अपना माय मिस्टेक, आई डिडंट रियलाइज देयर वाज अ फिफ्थ ऑप्शन। कोई बात नहीं, किसलिए हो जाता है, ठीक है। अरे वाह गरिमा, टॉप द चार्ट, क्या बात है गरिमा, तुमको बाबुल के घर से ढेर सारा प्यार और यू डिजर्व अ चॉकलेट, गो बाय इट, हैव इट फ्रॉम माय साइड, यस थैंक यू बोलते हुए। हाँ सो गरिमा एंड करण, करण ऑल्सो यू कैन चूज, यू वॉन्ट चॉकलेट और एनीथिंग एल्स, इट्स फ्राइडे, इट्स योर चॉइस, ठीक है। हाँ क्या बात है, प्रिंस को भी, अनुराग को भी, प्रगति को भी, सबको, ये तो 5 स्टूडेंट्स आर गेटिंग 5, 9 on 9, वाओ। सो तुम सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा, ऐसा फ्राइडे इवनिंग है, सो चॉकलेट स्लैश XYZ व्हाटएवर इट इज, इट्स योर चॉइस। टेलीग्राम लिंक अभी देता हूँ अनुपम, ठीक है, बहुत बढ़िया गाइज। किशले 8, हर्षा 8, अंकी 7, आकांक्षा 6, आकांक्षा 6 से ज्यादा होने चाहिए थे, प्रीति 6, 5 by 5 on 9, अच्छा 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 ओके स्वरा, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़ना जरूरी है ना, बढ़ना जरूरी है, समझदार को इशारा काफी है, जेबा बिल्कुल सही बात, अरे तो ऑब्वियसली वर्किंग पीपल यू आर, मैं थोड़ी बताऊंगा तुमको कि फ्राइडे इवनिंग सैटरडे इवनिंग तुमने क्या करना है, क्या कौन सी चॉकलेट खानी है, डिसाइड करो अपने आप। चलो मिकुन, देखा मैं सैटरडे संडे क्लास ही नहीं लेनी होती, मैं कुछ नहीं करता, मैं अपनी बिल्कुल एकदम ऐसे क्या बोलते हैं उसको, अच्छा एक सेकंड, पहले पहले एकदम धर्म पहले निभाया जाएगा, बातें बाद में की जाएंगी, पहले मुझे बताओ किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, हाँ गरिमा को तो कोई डाउट होना नहीं है ऑब्वियसली। हाँ सुहेल, नो नो नो, ठीक है ठीक है सर, गुलाब जामुन लेने जा रहा हूँ, ठीक है डन, गुड 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 करण, मैं समझ गया, जल्दी जा, टाइम पे बंद हो जाती है शॉप्स आजकल, गुलाब जामुन, हाँ इतना जल्दी कैसे कर लेते हो गरिमा, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, गरिमा से तो पूछना होगा। मनु क्या कहता है, ई में कंफ्यूजन है, और किस में कंफ्यूजन है, ई तो है आंसर यार, वो तो अपने को ऑफ द रिकॉर्ड लेना पड़ेगा स्वरा, आईएम का एक्सपीरियंस का मैं सेशन कैसे बनाऊंगा इसे। हाँ गरिमा, एवरीबॉडी इज आस्किंग ड्रॉप योर हैक्स, हाउ डू यू डू दैट। अच्छा बी और ई, बी मोर पीपल बाय हाउसेस इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, तो एक बार सोच वापस से मनु, अभी अभी सेंटिमेंट खत्म हो गया, क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन, मुझे पैसेज ही याद नहीं होते, अरे मृणाल पैसेज याद थोड़ी करने होते हैं, सिर्फ मेमोराइज, थोड़ा रिटेंशन का कैपेसिटी बढ़ाना है, उसका एक तरीका है, मैंने बताया था ना, यू वर लेट और व्हाट, कुछ नहीं प्रगति, बस प्रैक्टिस से हो जाता है, ठीक है ओके। गरिमा यू आर आल्सो वर्किंग, गरिमा ओके ओके ओके,
ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड एक जूम मीटिंग हो जाए, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो फ्राइडे मनाओ अपना, आगे बढ़ो जिंदगी में। हाँ, तो मैं जाने से पहले एक बार कुछ कुछ चीजों पे दोबारा तुमको रिमाइंड करवा देता हूँ। देखो प्लीज अपनी लाइफ से स्पीड नामक चीज हटा दो, ठीक है। गरिमा के जल्दी से क्वेश्चन ठीक हो जाना और आपका 10-15 सेकंड बाद, 20 सेकंड, आधे मिनट बाद ठीक हो जाना, दोनों में रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। रिजल्ट में फर्क तब आएगा जब किसी के सही होंगे और गलत होंगे, ठीक है। सो दैट्स दैट्स गरिमाज वे। यू कैन ऑलवेज आस्क हर, शी कैन ऑलवेज ड्रॉप हर हैक्स एंड टेल यू गाइज, दैट कैन हेल्प यू, बट स्टिल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन एक्यूरेसी गाइज। एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखो आईटीन्स, मैथमेटिशियंस, इन अ पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स, इंग्लिश ऑनर्स, ये सब लोग एग्जाम देते हैं और उसके भाई इंग्लिश ऑनर्स तो ऐसा होना चाहिए ना कि वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे जाके उनकी इंग्लिश तो मतलब इंग्लिश तो है ही नहीं ना एक्चुअली। ये वी आर सी, इट्स नॉट इंग्लिश, इट इज मोर ऑफ योर रीजनिंग, योर ओन लाइफ स्किल, योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन, योर क्रिटिकल रीजनिंग, योर वोकैब एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्यूरेसी मोर, ओके? एंड दोज हु आर रीडिंग, गरिमा आई वुड सजेस्ट, दिस सजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी और अपने आप को और चैलेंज करो, रीड समथिंग। आरसीज तो कर ही रहे हो साथ में, आरसी अगर कम करके रीडिंग बढ़ा सकते हो तो और रीडिंग बढ़ा दो उन उन टॉपिक्स पे जिनमें अभी भी थोड़ा सा डाउट रहता है, ओके? मैंने एक छोटा सा चीज ऑब्जर्व किया है गरिमा, जब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, कुछ जैसे मॉर्निंग में मैंने देखा था, आज नहीं कल या कब था, कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस गलत, यू यू गेट देम रॉन्ग। सौरभ अगर बिल्कुल रीडिंग नहीं चलती है तो कोई सी भी चलेगी, लेकिन अब आई वुड से सितंबर अक्टूबर में आप जितना हो सके अपनी डिजिटल रीडिंग यानी ऑफलाइन रीडिंग करो, ऑनलाइन रीडिंग करो। हाँ अगर रीडर नहीं हो तो फिर ऑफलाइन ऑनलाइन जो ठीक लग रहा है करो, बट इफ यू आर रीडर कॉन्सेंट्रेट नाउ मोर ऑन ऑनलाइन रीडिंग। मिस क्लिक और कभी जल्दी में, हाँ तो कुछ एक चीज पे तो काम करना ही है ना गरिमा, चाहे मिस क्लिक हो चाहे कैसे भी हो, किसी एक चीज पे तो काम करना ही होगा, है ना? यही तो जिंदगी है, नहीं? और जिंदगी में आप बढ़ जाते हो। हाँ रीडिंग, अच्छा सुनो सुनो सुनो, सुबह 9 o'clock, 9 AM आई हैव अ सेशन AMA, बट नॉट फॉर यू गाइज, इट इज फॉर ओनली फॉर बिगिनर्स, ठीक है? इट इज ओनली फॉर बिगिनर्स, जो लोग भी रिविजन बैच वाले प्रॉपर रिविजन वाले लेवल पे हैं वो लोग प्लीज इस सेशन में आके टाइम पास नहीं करेंगे। बिगिनर्स के लिए मॉर्निंग 9 o'clock AMA सेशन है, दैट इज आस्क मी एनीथिंग। सो आप में से अगर कोई ऐसा है जिसके पास बहुत बेसिक से क्वेश्चंस भी हैं, कम टुमारो एट 9 o'clock ऑन यूट्यूब, इज गोना बी AMA सेशन, आस्क मी एनीथिंग सेशन, ठीक है? लाइक रीडिंग बुक्स और आर्टिकल्स जो भी हैं, कौन कल सुबह 9 बजे, ठीक है? हाँ आप लोगों का सेशन अब सीधा मंडे को होगा, ठीक है? चलो बिफोर आई साइन ऑफ गाइस, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, Anyone who is here looking for 22 or 23, pick up your subscription ASAP. हाँ, yes, आशुतोष, पूछ लेना, पूछ क्या पूछना याद है ना? काहे, काहे, काहे। हाँ, so and still people who would like to, they can pick up subscription now also for 21 as well. I mean, you still have time. You can give yourself some structuring, okay? आइकनिक और प्लस में से माई सजेशन टू गो फॉर आइकनिक, अभी तो टाइम है, जैट है, कैट है, उसके बाद स्नैप, साथ में स्नैप आएगा बीच में, सो टाइम है। एंड व्हेन यू डू दैट यू कैन ऑलवेज यूज माय कोड दस GSMBA, दैट विल गिव यू 10% एडिशनल बेनिफिट। आपका AMA सेशन प्रगति करते हैं नेक्स्ट वीक, आप लोगों के लिए कर लेते हैं, वैसे सारी बात अपन कर लेते हैं इसलिए, पर फिर भी एक AMA सेशन कर लेंगे। डू नॉट फॉरगेट टू यूज द रेफरल कोड एंड डू नॉट मिस योर 10% ऑफ। Enjoy the weekend to you too, Anurag. Anupam, you want a Telegram link? Yeah. Kindly, ठीक है गरिमा, अपन करते हैं पक्का। अच्छा कोई प्लीज एक लिंक एक बार यहाँ पर डाल दो अनुपम के लिए और एनी वन एल्स ऑल्सो, दिस लिंक इफ यू कैन पुट इट हियर, अपना चैट ग्रुप का कैसा भी लिंक डाल दो, अदरवाइज अनुपम दिस इज द लिंक, ओके? सिलेबस फॉर ऑल अदर एग्जाम्स तान्या, वो दैट वुड नॉट बी राइट बिकॉज आई डोंट टीच द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, नो यूर, सो वो ठीक नहीं रहेगा। आई डू नॉट वॉन्ट टू साउंड एनी वेयर यू नो कॉन्ट्राडिक्टरी टू द अदर टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, है ना? मेरी बहुत फंडामेंटल अप्रोच रहती है तान्या, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे नहीं बात कर सकता कि यूँ ऐसे ही हो जाएगा, 5 मिनट में वो हो जाएगा, 5 घंटे में ये हो जाएगा। सो यू हैव सीन इन इन लैंग्वेज ऑल्सो, VARC में भी, सो मैं उस पे नहीं बात करूंगा, बाकी ऑर्ड्स पे।
उसको इनडायरेक्टली अपन कभी वो कर लेंगे ऐसा मॉक वगैरह रख के ना कुछ, ठीक है। चलो हुएवर इज अ बिगनर ईयर गाइस, आप लोग बिगनर्स का बैच 9 o'clock होता है, जैसे रिविजन बैच 1 o'clock होता है ना एवरी डे, ऐसे ही बिगनर्स बैच 9 AM होता है। हाउ टू गेट सब्सक्रिप्शन, यू ऑल नो दैट, गो टू प्लस, गो टू प्लस, चूज कैट, चूज ड्यूरेशन एंड गो अहेड विद योर सब्सक्रिप्शन। सेट क्या होता है, कौन सा वाला सेट क्या होता है, सिम्बायसिस एंट्रेंस टेस्ट, वो UGAT के लिए होता है ना, मतलब अंडर ग्रेजुएशन के लिए होता है वो, था ना उसमें किसमें, अच्छा इसमें, हाँ ये सिम्बायसिस का है, सिम्बायसिस के जो यूजी वाले एग्जाम कॉलेजेस है ना उनका। बाय प्रिंस, बाय बाय स्पर्ट्स, थैंक्स टू यू टू, एंजॉय योर वीकेंड गाइस, and start appreciating whatever you see around, start smiling more, yes, start appreciating whatever you feel, you know, it's nice and that makes sense to you, start appreciating that, it increases your self confidence, that boosts up your spirit, and once your spirit is boosted, you start doing much better also in exams, right? Thank you Mansi, thank you Karan, bye Vivek, bye everyone, bye Orzi, shut up, stay, okay, bye. Bye Suhail, bye Pragati.